अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपको टू वे बाइंडिंग सिखाई जाएगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको इवेंट बाइंडिंग सिखाई थी कि इवेंट बाइंडिंग क्या होता है और एमजीएम किससे यूज करते हैं। तो ये फंक्शन है इसके ना, तो ये मैंने पिछले वीडियो से आपको सिखा दिए थे। तो अब जो है इस वीडियो में वो आपको मैं जो वो इवेंट टू वे बाइंडिंग सिखाऊंगा कि टू वे बाइंडिंग किसे कहते हैं और उसको जो है वो किस तरह यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम जो अपने डॉक्यूमेंट में चल जाते हैं। डॉक्यूमेंट में जो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ उसकी, क्या होता है क्या ये। तो मेरे नोट्स में नोट्स हैं, तो इसमें मैं जो लिखा है वो यही है कि इसमें हम जो वो क्या करते हैं। सबसे पहले इट बाइंड्स डेटा फ्रॉम कंपोनेंट क्लास टू व्यू टेम्पलेट, ठीक है, एंड व्यू टेम्पलेट टू कंपोनेंट क्लास। यानी कि हमारा जो डेटा होता है वो हम उसको बाइंड करते हैं कंपोनेंट क्लास, क्लास है टीएस वाली क्लास, उससे जो वो व्यू टेम्पलेट में भी डेटा जाता है और व्यू टेम्पलेट से क्लास क्लास कंपोनेंट में भी डेटा जो वो बासान जो वो पास हो जाता है, वहां पर चल जाता है। बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड इवेंट बाइंडिंग। तो ये जो वो कॉम्बिनेशन होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग इवेंट बाइंडिंग का, किस्सा होता है मैं आपको जो वो करके दिखाऊंगा। अच्छा, बेसिकली होता है क्या, टू वे बाइंडिंग अगर आसान लफ्जों में समझे आप तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये बेसिकली जो वो अपडेट भी करता है और डिस्प्ले करता है डेटा एट द सेम टाइम। यानी कि जब आप जो वो डेटा लिखते हैं, इनपुट करते हैं डेटा, तो जब आप इनपुट करते हैं तो ये जो वो अपडेट भी कर रहा होता है और डिस्प्ले भी कर रहा होता है डेटा एट अ टाइम, ठीक है। क्यों ये, क्योंकि ये टू वे बाइंडिंग है ना, टू वे बाइंडिंग, वन वे नहीं टू वे बाइंडिंग है, ठीक है। अब ये किस तरह होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ जरा। सबसे पहले जो हम इनपुट ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एक कोई एक वेरिएबल लेता हूँ, कोई भी एक वेरिएबल आप दे दें, डेटा दे दें, ठीक है। इसको आप जो वो स्ट्रिंग देना चाहिए, एनी डेटा टाइप देना चाहिए, टाइप स्क्रिप्ट पे ये तो आप दे सकते हैं, एनी दे सकते हैं आप, ठीक है। इसको मैंने जो वो इस तरह लिख दिया एनी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली मुझे जो वो इनपुट लेना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इनपुट लूंगा, इनपुट, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनपुट ले लिया और इसके वैल्यू मैं दे देता हूँ शुएब, ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं रन करूँ टर्मिनल पे तो क्या लिखूंगा, एनजी सर्फ लिखूंगा। तो ये जो वो मैं जो एप्लीकेशन है वो जो वो लोकल होस्ट 4200 में रन हो जाएगी। तो अभी मैं देख रहा था उसका जो आउटपुट क्या है, वो सिंपल सा आउटपुट आपको भी पता होगा भाई। एक जो वो हेडिंग होगी जिसमें टू वे बाइंडिंग लिखा हुआ होगा और उसके बाद इनपुट होगा, उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट शेप होगी। तो देख लेते हैं हम। तो ये आपने देख लिया कि टू वे बाइंडिंग लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है वो शेप लिखा हुआ है, ठीक है। अब बिल फर्स हम मुझे टू वे बाइंडिंग करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक और H1 लेता हूँ, यहाँ पर ना H2 लेता हूँ, ठीक है। H2 लिया और यहाँ पर मैंने अपना जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर। और अब क्या है, यहाँ पर मेरे टाइप स्क्रिप्ट में जो वेरिएबल है वो है डेटा, तो डेटा को कॉपी करूंगा यहाँ पर ले आऊंगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ इस तरह पता है, क्योंकि मैं जो वो टू वे बाइंडिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जो क्लास वाला डेटा है, एचटीएमएल वाला, एचटीएमएल में जो डेटा होगा वो मैं चाहता हूँ कि क्लास में आ जाए, ठीक है। और क्लास का डेटा होगा ना, क्लास में जो डेटा रखा होगा इसमें वैल्यू रखी होगी इसकी, तो वो चल जाए एचटीएमएल में। तो एक दोनों किस्सा होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब क्या होगा कि यहाँ इस डेटा के अंदर आपको पता है कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है, कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज रखी होंगी, फॉर एग्जाम्पल शुएब अख्तर, तो ये क्या होगा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू ये जो डिस्प्ले हो जाएगा, देख रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ भाई अभी इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू शेप ना हो बल्कि जो वो इसकी वैल्यू वो जो यहाँ पर लिखी हो डेटा के अंदर है, ठीक है, यहाँ पर लिखी हो डेटा के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं सिंपल जो है क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं जो वो इस तरह भी कर सकता हूँ कि डेटा, ठीक है, तो उसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो उसमें क्या है, शेप अख्तर आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई बाई डिफॉल्ट शेप अख्तर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं जैसे ही यहाँ पर कुछ लिखूँ ना, दिखेगा जैसे यहाँ पे कुछ लिखूं तो यहाँ पर अपडेट होता जाए ना, यहाँ पर जो वो अपडेट होता जाए। तो मैं किस तरह कर सकता हूँ, मैं करूंगा टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग किस तरह करूंगा कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी ना, इसकी जो वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी टाइप स्क्रिप्ट में जाएगी, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट वाली जो वेरिएबल है इसमें, इसमें जाएगी वैल्यू, फिर इसके थ्रू हम जो वो एचटीएमएल पे इसको जो वो हम शो करवाएंगे, रेंडर करवाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया टू वे बाइंडिंग, यहाँ से लेकर ये एचटीएमएल की फाइल फाइल है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइप स्क्रिप्ट में जाएगी, वो टाइप स्क्रिप्ट थ्रू एचटीएमएल, तो ये टू वे बाइंडिंग हो गया। आप किस तरह करेंगे, सिंपल है, देखिएगा। सबसे पहले जो है मैं स्क्वायर ब्रैकेट लूंगा, ठीक है, और ये आपको पता है कि इवेंट बाइंडिंग के थ्रू हम करते हैं काम सारा। अच्छा, उसके बाद हमने जो वो कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस ले लिया हमने। अब क्या यहाँ पर मुझे जो वो एक कीवर्ड है एनजी मॉडल, तो ये मुझे लिखना पड़ेगा ना, एनजी मॉडल, तो ये मैंने लिख लिया। आगे मैं लिखूंगा इस इक्वल टू जो इन्वर्टेड कॉमास,
अब क्या है कि यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पर इसकी जो डेटा है तो ये मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये एरर क्यों दे रहा है, उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये कि हमने जो वो इस प्रॉपर्टी को हमने जो वो एक तरह से इसको हमने जो वो कॉल नहीं करवाया है अपने मॉड्यूल में, ठीक है। मैं आपको अपना अपना डॉक्यूमेंट भी दिखा दूं, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये फॉर्म का होता है, फॉर्म मॉड्यूल होता है, इम्पोर्ट करेंगे फॉर्म मॉड्यूल होते हैं यहाँ पर, तो उसको जो है वो हम यहाँ पर करेंगे फॉर्म मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया। अब क्या है कि हमने ये इम्पोर्ट तो कर लिया फॉर्म मॉड्यूल को, लेकिन अब इसको मैंने कॉपी करना है, उसको जो है वो यहाँ पर मुझे इसको इम्पोर्ट भी करवाना है, पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो वो ये हो जाए। देखिए आप यहाँ से जो एरर जो है वो खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया, क्योंकि ये देखो एनजी मॉडल है ना, ये बेसिकली फॉर्म मॉड्यूल का एक जो वो उसके अंदर होता है, तो जब भी हम एनजी मॉडल यूज करेंगे तो हमें जो फॉर्म मॉड्यूल हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब एनजी मॉडल तो कर लिया, अब इसके इसने क्या किया कि हमारे पास जो डेटा है, डेटा के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक कहाँ चली जाएगी, वो बेसिकली इसके अंदर इनपुट में जो भी कुछ लिखूंगा ना वो सीधा जाएगा डेटा में, ठीक है, और डेटा के थ्रू हमने यहाँ पर कॉल करवा दिया। अब डेटा में जाएगा तो डेटा में बाई डिफॉल्ट तो शुएब अख्तर लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं इसको अपडेट करूंगा तो फिर वो जो जो भी वैल्यूज होगी वो इधर आ जाएगी, और इसके थ्रू हम जो है वो यहाँ पर इसको शो करवा देंगे। अब लेट्स सी, देख लेते हैं कि क्या होता है कि अब मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट शुएब अख्तर लिखा हुआ था, क्योंकि मैं वहां पर जो वो टाइप स्क्रिप्ट में शुएब अख्तर लिखा हुआ था। अब मैं जैसे कुछ अपडेट करता हूँ, यहाँ पर डिलीट कर रहा होता हूँ, तो देखिए नीचे से डिलीट हो रहा है, तो ये क्या होता है कि अपडेट एंड डिलीट, मैं अब सॉरी अपडेट एंड जो वो डिस्प्ले, मैं खुद अपडेट भी कर रहा हूँ और डिस्प्ले भी खुद हो रहा है एट अ टाइम, एट सेम टाइम जो वो अपडेट भी हो रहा है और डिस्प्ले भी हो रहा है। देखें डिस्प्ले नीचे हो रहा है और अपडेट में अपडेट भी मैं कर रहा हूँ उसको, मैं ठीक है एट सेम टाइम अपडेट कर रहा हूँ, तो ये हो गया टू वे बाइंडिंग, ठीक है। अब आप देखें ना, अब आप यहाँ पर आप कुछ चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर दें। अब देखिए मैं ऐसे यहाँ हटा देता हूँ, बिल्कुल हटा दिए मैंने यहाँ पर। अब क्या है कि ये इसके अंदर जो वैल्यूज रखी होंगी वो क्या होगा कि इनपुट के अंदर चलेंगे, देख रहे हैं आप इनपुट के अंदर चलेंगे। अब मैं जैसे इसको एस लिखा तो नीचे एस भी आ गया, और यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एस आ जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो डेटा के अंदर जो वैल्यूज होंगे वो क्या होगी, एस होगी। तो ये बेसिकली मैंने आपको थोड़ा सा बताया, टू वे बाइंडिंग क्या होता है कि दोनों फाइल्स होती है टाइप स्क्रिप्ट की एचटीएमएल की, तो दोनों में जो डेटा होता है दूसरे साथ शेयर भी हम जो कर सकते हैं, और टू वे बाइंडिंग होता है, दोनों दोनों तरीके से हम जो काम कर सकते हैं, तो डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, अपडेट भी करवा सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आप इसके प्रैक्टिस करें और मजीद ये कि इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में जाए तो उसमें भी हम जो आसानी आप जो वो सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद चीजें जो वो सिखाई जाएंगी, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।